गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप गाइस कि आप सब ठीक हैं। गाइस, मैंने अगेन एक हमारा स्विस ब्यूटी का प्रोडक्ट मंगा लिया है, इसके बारे में बात करेंगे। गाइस, इससे पहले बता दूं मैं आपको ब्यूटी एक ऐसा ब्रांड है जिसके ऑलमोस्ट प्रोडक्ट यू नो सेटिस्फाइड करते हैं। यू नो प्राइस वाइज आप बोलें, प्रोडक्ट बोलें, क्वालिटी वाइज बोलें, बहुत अच्छे होते हैं। यू नो उनको लेके कभी भी बहुत रेयर होता है कि यू नो रिग्रेट हो रहा है कि मेरे को नहीं लेना चाहिए था, ऐसा करेंगे। और आप देखें मैंने क्या मंगाया, सो लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। बीबी फाउंडेशन, जी हाँ, यहाँ पे लिखा है शाइन पर्ल वाटर ड्रॉप ब्लेमिश बार, ठीक है। लीजिए आते हैं, लिखा है इट इज अ प्रोफेशनल स्किन केयर प्रोग्राम थ्रू फंक्शन ट्रीटमेंट सिस्टम। नीचे लिखा है अगेन सिस ब्यूटी का इस पैकेजिंग बहुत ज्यादा यू नो अट्रैक्टिव काइंड ऑफ पैकेजिंग है। तुमको ना फेस पे मेकअप दिखाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, मैं भी कुछ वही उसी तरह की, मुझे फेस पे मेकअप दिखाना बिल्कुल नहीं पसंद। बट स्टिल मैं नहीं चाहती कि मेरे डार्क सर्कल्स दिखे या फिर कोई डॉट है या फिर कोई स्पॉट है वो नजर आए ना, ऐसा कुछ हो जो ना स्किन को ग्लो दे, ड्यू से दिखाए, बट स्टिल मेकअप नहीं दिखाना चाहिए ऐसा सा कुछ। तो गाइस इन्होंने क्लेम करा कि ऐसा सा कुछ करते हैं, आई हैवंट यूज इट बिफोर, मैं हम साथ में ही उसको यूज करेंगे। तो गाइस इसमें ना हमें SPF 15 भी मिल रहा है, तो अगर आप घर पे हैं तो 15 से आप काम चला लेंगे। अगर आप बाहर जा रहे हैं यू हैव टू अप्लाई अ गुड सनस्क्रीन फर्स्ट, SPF 15 बहुत कम है। बाकी गाइस इसके इंग्रीडियंट्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे वाटर है, ग्लिसरीन है, मिनरल वाटर है, यू नो अच्छी चीजें इसमें है। तो वैसा और गाइस अगर मैं फ्रेग्रेंस की बात करूँ ना, तो जैसे आप मैं बताऊँ जैसे कुछ लोकल चीज़ें हम लेते तो कैसे स्मेल आती है ना, अजीब सी स्मेल है। टू बी ऑनेस्ट यू नो गाइस, आपको मेरे रिव्यूज़ बहुत पसंद आते हैं और मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। सेकंड कि मैं कभी भी आपको यू नो झूठा रिव्यू नहीं देती हूँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि जब आप मेरे रिव्यूज देखें आप वापस से मुझे देखने हैं। इसका जो प्राइस है ना वो 199 है, बिस 200 मिला था, मैं बायलिन डाल दूंगी और मैं यहीं कहीं पर डाल भी दूंगी, आप देख लेना इसका एग्जैक्ट प्राइस कितना है, ठीक है। गाइस इसके हमें 3 इयर्स की शेल्फ लाइफ मिलती है, 40 ml की हमें इसकी क्वांटिटी मिलती है। यहाँ पे आते तो कहा इन्होंने यहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग, अपना एक्सपायरी डेट, अपना एड्रेस, Everything they mention on this, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि बॉक्स पे लिख दे, इंसान इस पर नहीं लिखता यू नो, हम इसको लेके कभी नहीं घूमेंगे, तो इसके ऊपर होना चाहिए कि हम कब तक यूज कर सकते हैं जो इसके ऊपर है। दिस इज वेरी गुड यू गाइस, स्टिल मैं सनलाइट में दिखाऊंगी आपको कि कैसा नजर आ रही है। मैंने अपनी स्किन पे अभी कुछ भी नहीं लगाया है, तो फटाफट से ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे बहुत थोड़ा सा डॉट लिया है, बिकॉज एज यू नो मुझे अपनी स्किन पे मेकअप दिखाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो बहुत थोड़े से हमने डॉट लगा लिया। बाकी मैं डॉट इस तरफ भी लगा रही हूँ, बट एक तरफ हम ये लगाएंगे अपने ब्लेंडर से एंड दूसरे तरफ लगाएंगे अपने हैंड से। लेट्स सी, बीबी है तो हैंड से भी इसको वर्क करना चाहिए, है ना। सो गाइस मेरा शेड यहाँ पे 03 है, इसमें हमें 4 शेड्स मिलते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली ले लें कि कौन सा शेड आपके ऊपर जाएगा यू नो। तो ये लगा लिया हमने है, एंड कैन यू सी द ग्लो ऑन माय फेस, इस जगह पे आपको दिख रहा है हल्का सा ना लूमी काइंड ऑफ इफेक्ट आया है, और हल्का सा इसकी स्किन को भी फेयर दिखा रहा है। पहले से अगर अभी इस तरह देखिए मेरा हल्का सा लाइंस भी है और यूरोस को हल्के से डल नजर आ रही है। इस तरफ देखें आप, स्किन हमारी मैट नजर आ रही है ना, इस तरफ देखें मैंने फिंगर से लगाया है, स्किन थोड़ी ज्यादा ल्यूमिनेट लग रही है, और यू नो हल्की सी ऑयल भी हमारे फेस पे मुझे नजर आ रहा है। सो गाइस मैं सजेस्ट करना चाहूंगी, मुझे क्रीम बहुत अच्छी लगी है, यू कैन सी द ग्लो ऑन माई नोज, मेरा ये वाला एरिया, जबकि मैंने कोई हाइलाइटर वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है, राइट। इफ यू हैव ब्राइट स्किन ना, देन आप अपनी फिंगर से ही लगाएंगे, सी ये वाला साइड हमारा थोड़ा सा और यू नो ग्लोई लग रहा है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो इफ़ यू हैव ऑयली स्किन देन आप अपने ब्लेंडर से ही ट्राई करेंगे, उससे क्या होगा ना जो आई थिंक ऑयल जो है वो हमारा ब्लेंडर ले रहा है, और सी कितना मैटिफाई वाला क्लियर हमें नजर आ रहा है, ठीक है। सी दोनों ही साइड बहुत ज़्यादा बहुत लाइट वेट वाली फीलिंग है, हैवी हैवी से लगता है, या फिर कुछ भी लगा रहा है ना तो लगता है कि मैं मेकअप लगाया ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, स्किन बहुत लाइट फील आ रही है, और स्किन ना इवन है यू नो, हल्की सी गोरी भी लग रही है पहले से। तो आई एम क्वाइट इम्प्रेस विद बीबी, एंड
या सो गाइस अगर आपको नो मेकअप मेकअप लुक चाहिए ना देन गो विद दिस दिस इज गुड न्यूज़ सो गाइस मैं थोड़ा सा ब्लश लगाऊंगी बिकॉज ये भी लिपस्टिक है हमारी इनसाइड कॉस्मेटिक की है 09 ब्रीफ और टडा सो गाइस यहां लिपस्टिक लगा ली है लेकिन ऐसा लाइट है मेरी स्किन कुछ ऐसी सी नजर आ रही है अच्छी सी बढ़िया सी मैट सी ठीक है सो गाइस ये था आज का मेरा वीडियो आई होप आपने एंजॉय किया है और अगर किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल गिव मी अ थम्स अप एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स आल्सो